तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशनशिप। पिवट में रिलेशनशिप का क्या यूज है, तो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, लेसन चूज। अब यहाँ पे हम एक रिपोर्ट आपको एक डेटा लेते हैं ताकि मैं समझा सकूं। एक छोटा सा डेटा आपको हम बताते हैं। मेरे पास तीन सीट पे डेटा है। पहला ये हमारा सेल्स हो गया और ये मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट है, नहीं कस्टमर है, वहां प्रोडक्ट नहीं कस्टमर। ये हमारा प्रोडक्ट है, राइट सर। तो मेरे पास तीन सीट है, पहला सेल्स, दूसरा कस्टमर और तीसरा प्रोडक्ट, राइट सर। आप देखेंगे जो सेल्स में मेरे पास प्रोडक्ट की आईडी है, सेल्स में सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी है, इसमें कोई और चीज नहीं है। मतलब कि इसमें प्रोडक्ट की आईडी है, कस्टमर की आईडी है, लेकिन इसमें उसका डेटा नहीं है। तो मान लीजिए कि मुझे कस्टमर के नेम वाइज या कस्टमर की सिटी वाइज मुझे देखना किस सिटी में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, तो उसके लिए मुझे क्या नॉर्मल टेबल में क्या करना पड़ेगा कि इसमें एक इंसर्ट करना पड़ेगा कॉलम और इसमें वी लुकअप लगा के सिटी को लुकअप करना पड़ेगा। जानमी जी ये करना पड़ेगा ना, लेकिन मैं अपने डेटा के साथ छेड़छाड़ नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि पिवट टेबल में ही ये आसानी से हो जाए। तो इसके लिए यहां पे इंसर्ट हम करेंगे पिवट टेबल एंड ओके करते हैं। अब यहां पे मैं दो पिवट के साथ करना है, तो हमें उस पिवट पे जाके दूसरा पिवट, सॉरी माफ कीजिएगा, हमने एक छोटी सी गलती कर दी है। पिवट लगाने से पहले आप ये हमने किया नहीं, ये मैं दोबारा करता हूं। मैंने इंसर्ट पिवट टेबल किया, ओके करने से पहले आपको सबसे लास्ट ऑप्शन ऐड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर दूसरा टेबल, जो दूसरा डेटा आपको, उसको भी पिवट टेबल लगाइए और ऐड डेटा टू डेटा मॉडल आप कर दीजिए। अब देखिए जैसे दो डेटा को आप करेंगे ऐसे यहाँ रिलेशनशिप आपका एक्टिवेट हो जाएगा, वरना रिलेशनशिप आपका डीएक्टिवेट होता है, रिलेशनशिप आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब मैंने इस पे क्लिक किया, न्यू में क्लिक किया और यहाँ हमने रेंज, और रेंज का हमने बोला कि सीआईडी कस्टमर आईडी। अब देखिए जब पहले शीट से रेंज समझ लिया और दूसरी शीट को इसने रेंज वन को आईडी हम यहाँ पे दे देते हैं, ओके कर। क्या हुआ, रिलेशन हुआ। आपको ही बताना है कि दोनों में कॉमन कौन सा है। और ये चीज करने से पहले चीज का ध्यान रखिएगा कि आपका जो दोनों में जो कॉमन आप ऐड कर रहे हैं उसमें से एक में यूनिक नंबर होना चाहिए, मतलब कि डुप्लीकेट किसी एक में होगा, दोनों में डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। और फिर मैंने इसको यहाँ पे क्लोज। अब यहां हम ऑल पे जाते हैं, तो दोनों सीट रेंज वन रेंज टू आ गए। तो मुझे चाहिए सिटी वाइज सेल, तो हमने इसकी सिटी रो में रखी, नेम को रख दिया कॉलन में और फिर क्वांटिटी उठा ली हमने रेंज, समझे? समझ में आया आप लोगों की डाउट है इसमें? ओके सर, किसी को कोई डाउट? एक बार थोड़ा रिपीट किया तो अच्छा है सर। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि इस पे आपको पिवट लगाना है,
पिवट लगाते समय आपको यहाँ पे दिस डेटा पोर्टल सिलेक्ट करना, तो जितने सीट के साथ आप लगाना है उसके हर एक सीट में आपको डेटा मॉडल करना पड़ेगा एट दिस डेटा मॉडल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद किसी भी पिवट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पिवट टेबल एनालाइज में आपका रिलेशनशिप एक्टिवेट होगा। रिलेशनशिप एक्टिवेट कब होगा? एक से ज्यादा मतलब दो, कम से कम दो टेबल्स को डेटा मॉडल में ऐड करेंगे पिवट लगा, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको ये बताना है कि जो दो डेटाबेस आपने सिलेक्ट किया है उसमें दोनों में कॉमन क्या है। जैसे वीलुकअप लगाते हैं तो होता है ना कि हाँ भाई आईडी को आईडी से लेना है, तो बताएंगे तब तब जाके इसको वीलुकअप लगा पाएगा। और उसके बाद आपको क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपके एक्टिव सीट टेबल और यहाँ पे ऑल पीपल टेबल होगा। अब दोनों का फील्ड यहाँ पे आ गया, दोनों फील्ड अपने हिसाब से उठा, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अगला आता है कि मुझे क्या चार पिवट, तीन चारों में, तीन चार टेबल में लगाना है, क्या तीन चार टेबल हमको पिवट टेबल ऐड करना पड़ेगा? जी नहीं, इसके लिए आप पावर पिवट लगा सकते हैं। पर पावर पिवट होता कहाँ है? सबसे पहले पावर पिवट लाने के लिए आपको एक्सेल ऑप्शन में जाना पड़ेगा और यहाँ हमें आना पड़ेगा एड इंस में, और यहाँ एक्सेल के जगह पे आपको कॉम एड इन सेलेक्ट करना होगा और फिर गो। ये पावर पिवट इसमें नहीं है, ओ मेरा लग रहा है इसने रिमूव कर दिया है। मैंने इस महीने पेमेंट नहीं किया ना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 360 को, इसने हटा दिया। मैं इसको एक बार मैं खुद से कर लूंगा, ठीक है। इसको यहीं पे कॉम एड इन पावर मैप दिख रहा है, पावर पिवट नहीं दिख रहा है। तो पावर पिवट की टॉपिक को हम थोड़ा सा पेंडिंग कर देते हैं, अगली क्लास में हम सीखेंगे। मैं एक बार माइक्रोसॉफ्ट को पेमेंट कर देता हूँ ताकि मुझे अपडेट कर दे मेरे इस सेक्शन को, ठीक है। और मैं 9 तारीख की बिलिंग डेट थी ना सर, तो मैं तो नहीं था, मतलब छुट्टी पे चला आया था ना। तो रिलेशनशिप समझ में आ गया कि नहीं आ गया सर आपको? हाँ, इसी तरह से यूज कर सकते हैं रिलेशनशिप को आगे। आपको हम पावर पिवट टेबल आपको इसका यूज और आगे जानेंगे जब हम बात करेंगे क्यूरी एंड एक्सटेंडेड क्यूरी। आगे क्लासेज में बताऊंगा कैसे दो से ज्यादा पिवट टेबल को एक के नीचे एक रख के कॉम्प्लिकेट करके पिवट लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जैन फाइव मार्च का डेटा अलग अलग सीट्स में अलग अलग फाइल्स में है, आप पिवट लगाना चाहते हैं तो उसमें तीनों का डेटा मर्ज होके आना चाहिए कि नीचे एक नीचे, ये तो क्लियरली है सर, लेकिन हम मर्ज करना चाहते हैं तो उस केस में हम अपना क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बारे में डिटेल हम आगे क्लास से बताएंगे आपको। तो मेरे हिसाब से टेबल आपका खत्म हो गया, राइट। पिवट टेबल के बाद आपका अगला टॉपिक है टेबल का। अब टेबल को भी समझ लीजिए, टेबल क्या है। देखिए अगर आपका भी डेटा राइट, मैं एक बार छोटा डेटा आपका नॉर्मल फॉर्मेट में है, आप इसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। टेबल फॉर्मेट कन्वर्ट करने के दो तीन फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि जैसे देखिए आप कॉल करेंगे ना तो नेम आपका एबीसीडी की जगह पे आपका हेडिंग आ जाए। जैसे मैं कॉल करूंगा नीचे की तरफ तो आप देखेंगे एबीसीडी के ऊपर कॉल मुझसे पूछा था, समझे? इंटरव्यू पूछा था मुझे कि ये बताओ मैं एबीसीडी जो आ रहा है इसके जगह पे मैं अपना हेडिंग रखना चाहता हूँ,
तो इसका कर सकते हैं। दूसरा टेबल फॉर्मेट करने के बाद टेबल की एक आईडी मिल जाती है, टेबल वर्क बट लगाते हैं तो बार बार डेटा आपको इंक्रीज डिक्रीज करने की जरूरत है। अपने आप डेटा इंक्रीज, जैसे मैं यहाँ पे टाइपिंग करूंगा, जैसे 11 नंबर टाइप किया और अपने आप टेबल इंक्रीज। तो कोई भी डेटा कनेक्शन फॉर्मूला वगैरह इसमें लगाते हैं तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे काउंट इफ काउंट लगा देता हूँ, पूरा कॉलम देने की जरूरत नहीं है। मैंने इसको मान लीजिए कि हमने नेम लिखा हुआ, टेबल नेम आ गया, आ गया ना। गलत हो गया, गलत गलती से कहीं और काउंट ए काउंट लिया और हमने यहाँ पे पूरा कॉलम का यहाँ पे आ गया टेबल ऑल और नेम। अब जैसे मैं यहाँ पे कोई और नाम टाइप करूंगा तो यहाँ पे देखिए कैसे एंट्री हो गया, ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीज हो जाता है। तो टेबल इसके लिए यूज किया जाता है। दूसरा इसमें हम और भी जैसे आप जाते हैं तो इसके बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेटिंग है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ आपके सामने हीडर रो, हीडर नहीं दिखाना है दिखा सकते हो, टोटल रो नीचे शो करना है शो कर सकते हो, रोज मतलब एक एक कलर होगा दूसरा कलर नहीं होगा, ये भी आप यहाँ से कर सकते हो। मैडल कॉलम भी ऐसे ही फर्स्ट कॉलम बोल्ड करना चाहते हो इस तरह चीजें लगा सकते हो, फिल्टर बटन हटाना चाहते हो ठीक है, इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ये भी स्लाइसर लगता है जो बताया था आपको मैंने, इसे इजीली पिवट टेबल लगा सकते हो, इसमें से रिमूव कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे दिक्कत हुआ कि नहीं यार मुझे नॉर्मल डेटा करना है, इसमें कुछ इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी है, जैसे कभी कभी आप कॉपी करते हो कि पेस्ट करते हो तो सही अजीब सा नंबर आ जाता है तो टेबल दिक्कत से होता है, तो अरेंज कर दीजिए ये आपका टेबल आपका बुरी तरह से हट जाएगा ठीक है। ओके सर, तो इसमें अब अगला टॉपिक जो हम कल आपको पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन देखिए पिक्चर्स प्रोग्राम पे हैंडल करना सिखाएंगे आपको, चार्ट को छोड़ देंगे, चार्ट को हम लास्ट में करेंगे जब हम डैशबोर्ड एंड रिपोर्ट ऑटोमेशन आपको हम चार्ट कराएंगे राइट। अच्छा लेकिन उससे पहले आप पिवट टेबल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए कि पिवट टेबल में कोई चीज आपसे छुट्टी तो नहीं है, अगर कोई चीज छुट्टी है तो आप क्या करें उसकी अच्छी तरह से कर लें और मुझसे कल की क्लास में पूछ लें राइट सर। पिवट आवर पिवट टेबल का जो टॉपिक है वो टॉपिक रह गया है जो कि क्लास में सॉरी डेटा मेन्यू बार जब करेंगे उस समय क्लियर है। ओके सर, सर पिवट टेबल का सारा वीडियो एक साथ मिल सकता है क्या? मैंने शुरुआत में भेजा तो था सर, सारा जैसे पहले भेजे थे ना जो होमवर्क का पूरा काम होता कंप्लीट कंप्लीट करके जब क्लास हमारी जब मैंने पिवट की क्लास स्टार्ट की थी उस समय भेजा था ना। हाँ हेलो, देखता हूँ सर, मैं ढूंढ के देता हूँ आपको। सर क्या है कि मेरा मोबाइल थोड़ा फॉर्मेट हो गया था तो समझ में नहीं आया सब ठीक, और बाकी तो मेरे पास है सारी ठीक है, एक मैं देखता हूँ।